हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनाधिकृत निर्माण का हवाला देकर बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले पर कार्रवाई की थी, तोड़क कार्रवाई की थी, काफी कुछ तोड़ फोड़ कर दिया था बीएमसी ने। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट दे दिया है और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है इस मामले में। इस मामले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी। उन्हीं से हम पूछेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपने वर्डिक्ट में कहा है और किस तरह से बीएमसी को फटकार लगाई है और क्या कुछ बताया है इस पूरे ऑर्डर में। देखिए, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। उन हाईकोर्ट के ऑर्डर के कुछ पोर्शंस जो थे वो अभी उसके बारे में डिस्क्लोज किया गया था हम लोगों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग जिसको बोलते हैं। और उस जो पोर्शंस के बारे में जो डिस्कशन हुआ है उसमें से काफ़ी चीज़ें बाहर आई हैं, खास के ये कि जो बीएमसी के जो हाई हैंडेडनेस और जो एक्शंस थे वो एब्सोल्यूटली अनवॉरेंटेड थे, इलीगल थे। एंड ये ऑर्डर में काफ़ी चीज़ें बाहर आई हैं, ये भी कि जो जो क्या बोलते हैं सामना का जो हेडलाइंस था उखाड़ दिया, उस बारे में भी ऑर्डर में जिक्र है। और जो टाइमिंग्स हैं कि जो टाइमिंग के हिसाब से तोड़ा उन्होंने, जो पुलिस वाले मौजूद थे, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब खुल के सामने आती हैं कि ये जो एक्शंस थे बीएमसी के वो किस हद तक इलीगल थे और मैलिफाइड इंटेंशंस कैसे प्रूव होते हैं उस बारे में बताया गया है। मगर ये ऑर्डर अभी भी क्या बोलते हैं, इसमें अगर आगे ट्रायल करना चाहें और काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम चाहें तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, मगर अभी ये फिर भी ये ऑर्डर अपनी तरफ से एक मुकम्मल तरीके से एक ऑर्डर, जो प्रेयर्स हमने मांगा था रिट में उसको अगर आप ध्यान में रखें तो ये ऑर्डर मुकम्मल तरीके से फाइनल ऑर्डर है। बिकॉज हमने जो मांगा था, डिक्लेयर करने को बोला था कि बीएमसी के एक्शंस इलीगल है, वो डिक्लेयर हो गए हैं। हमने मुआवजा मांगा था, मुआवजा भी जो है उसके लिए जजेस ने अपॉइंट किया है एक वैल्यूएशन के लिए एक शख्स को जो वैल्यू करेंगे हमारे डैमेज कितना हुआ है क्या हुआ है, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे हमको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो मतलब ये सारे फैक्ट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ को कंसिडर करते हुए ये ऑर्डर बहुत अच्छा ऑर्डर है। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आप लोगों ने तकरीबन 2 करोड़ के नुकसान की भरपाई की बात की थी जब बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। आप लोगों ने वो सारे सबूत पेश किए थे बॉम्बे हाईकोर्ट को, सारी तस्वीरें बताई थी, 2 करोड़ की मांग की थी। और अब हाईकोर्ट ने एक वैल्यूअर तय कर दिया है जो वैल्यू करेगा कि कितना नुकसान है उसके आधार पर। तो अभी भी आप लोग कम से कम 2 करोड़ की भरपाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो भी फैसला आएगा बाद में वैल्यूअर के आधार पर उसे आप मान लेंगे। अभी ये कॉल जो है ये तो मेरी क्लाइंट लेंगी कि, और अभी ये चीज़ हम लोग उस स्टेज पे पहुँचे नहीं है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट कितना आ रहा है, हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो मैं उस बारे में नहीं बताना चाहूँगा। मगर ये है कि जो प्रेयर्स हमने मांगा था हमारे डैमेज को लेके, वो हमको मिल गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और जो एक्शंस थे बीएमसी के, जो मैलिस और मैलिफाइड इंटेंशन से जो भरे हुए थे, उस बारे में कोर्ट्स ने बहुत ब्यूटीफुली उसका जिक्र किया है। हालांकि फाइनल ऑर्डर मैंने देखा नहीं हूं अभी तक क्योंकि अपलोड नहीं हुआ है, पर उसी ऑर्डर के पोर्शंस आज डिस्कशन में थे सुबह में, चर्चे में। तो हर तरीके से ये ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो फायदे में ही रहेगा, मतलब नॉट ओनली फॉर माय क्लाइंट बट ऑल्सो फॉर मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अंदर अनाधिकृत निर्माण बताया था बीएमसी ने वो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है, वो अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो एक तरह से आप लोगों की जीत ही हुई है। खैर, आप जो बता रहे हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो हमारा रिट था, ये रिट हमारा था, हम लोग चैलेंज कर रहे थे एक्शंस ऑफ द बीएमसी। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे जिस बारे में हाईकोर्ट ने बताया है वो काफ़ी हद तक खुल के बताया है। अभी जो बीएमसी बोल रही थी कि जो ये बीएमसी क्या बताना चाह रही थी कि ये काम अभी चालू था और चालू काम में हम लोग इलीगल काम कर रहे थे इसीलिए उन्होंने तोड़ा है, कंस्ट्रक्शन जारी था और कंस्ट्रक्शन अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, तो उस बारे में जजेस ने क्लियरली बता दिया है, स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये बुनियाद गलत है बीएमसी की। तो बीएमसी के जो क्लेम्स है, जाहिर सी बात है जब बुनियाद गलत है तो क्लेम्स भी गलत है, और इसीलिए तो फेवरेबल ऑर्डर है हमारे फेवर में आया। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था जैसे कि बीएमसी बता रहा है।
बीएमसी की जो बुनियाद थी कि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमने जाके वहां पे मुआयना किया, हमने वहां पे इंस्पेक्शन किया, और जो प्रोसीजर वो बता रही थी बीएमसी, वो उसके पीछे मैलिफाइड इंटेंशन थे, अल्टीरियर मोटिव्स था, और हमारा काम कोई चल नहीं रहा था, अब ऑन गोइंग वर्क नहीं था, हमारा काम खत्म हो गया था, जो हमने अपनी अपने बारे में जो बताया था, जो फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में बताया था, तो हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया हमारे फैक्ट्स को, और बीएमसी ने जो अपने तरीके जो अपने पहलू बताए वो रिजेक्ट किया है बीएमसी का। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि सीधे सीधे तौर पे लगता है कि जो टाइमलाइन है, जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, जब कंगना राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो या राज्य सरकार हो, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, तो ये बदले की, सीधे तौर पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, बदनीयति से की गई कार्रवाई। देखिए, मैलिफाइड इंटेंशंस का मीनिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसको अगर आप छोटे से पूछें तो आपके एक्ट के पीछे कोई एक खराब चीज़ था, आपका इंटेंशन था, और वो खराब जो वर्ड होता है, जो इल इंटेंशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत वाइड होता है। अब इसके पीछे कौन कौन था, किसने किसने किसकी साजिश थी, कौन इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपके साथ में पार्टिसिपेट कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन था, उस बारे में जजेस ने नहीं बोला है। मगर जजेस ने जब ये बता दिया है कि ये जो इंटेंशंस थे, मैलिफाइड इंटेंशंस के बारे में जो खास के बाहर आ रहे थे, क्योंकि अगर आप टाइमिंग देखेंगे कि चिपकाने से पहले ही लोग तोड़ने के लिए तैयार थे, तो ये कहाँ पे होता है? ये मैंने तो कभी नहीं देखा 22 साल के एक्सपीरियंस में कि भाई आपने नोटिस रिफ्यूज किया, उसके पहले ही तोड़ने के लिए आप तैनात हैं, और मतलब एक दो भी नहीं, 50-60 पुलिस ऑफिसर्स और 40-50 बीएमसी और सारे मशीन्स और मशीनरी लेके, तो ये तो मैलिफाइड इंटेंशन तो दिख ही रहे थे, जाहिर थे वो शुरू से। हाईकोर्ट की सुनवाई चल ही रही थी और उसी बीच में थोड़ा कार्रवाई हो। दूसरा चीज ये है कि मैंने खुद पर्सनली जाके बंगलों में वो इंजीनियर को बोला कि मैंने हाईकोर्ट मूव कर दिया है और मैटर लिस्ट हो गया है। मैंने ये बोलने के बावजूद भी उनकी इतनी जरूरत, उनकी इतनी हिम्मत कि वो रिफ्यूज कर रहे थे और वो तोड़ना चालू रखे थे, और मैटर चालू हो गया। जब मैटर चालू होने के बाद में भी देखने लायक चीज है कि उनको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, कमिश्नर को बुलाया जा रहा है, बट कोई आ नहीं रहा है, कोई मौजूद ही नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये सारी चीजों को ध्यान रखा हुआ है कि मतलब किस हद तक तोड़ रहे थे वो, मतलब कोर्ट में मैटर चल रहा है, मैटर चालू हो गया है, आपको चालू होने के पहले भी बता दिया गया कि चालू हो गया, मतलब खुल के दिख रहा था कि उनके पीछे मैलिफाइड इंटेंशंस था भर के। तो आप लोगों की वैसे जीत हुई है, और कंगना रनौत ने भी एक वीडियो जारी कर इस बारे में कहा है, लोकतंत्र की जीत बताया, काफी खुश है, हैदराबाद में शूटिंग कर रही हैं। आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ कहा आपसे कंगना? देखिए, जाहिर सी बात है कि कंगना का केस है ये, और कंगना को चोट तो पहुंची है, बिकॉज देखिए अभी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप किस बारे में बोलना चाहें, कुछ यू नो, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, कोई भी डिपार्टमेंट अपना डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करेगा, तो मतलब ये मतलब किसी की आवाज बंद करने का तरीका इसको नहीं बोला जाता है। मतलब मैं एज ए वकील बोल रहा हूँ, एज ए लॉयर बोल रहा हूँ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में बैठा हूँ और कानून के हिसाब से बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट साइलेंस एनीबडी लाइक दिस, दिस इज मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन और इट इज अनवॉरेंटेड, अनकॉल फॉर, एंड इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन एनीथिंग लाइक दिस। तो यही बोलूंगा कि खैर, पब्लिक आपसे अगर खुश नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, या कोई भी हिस्सा आपसे खुश नहीं है, तो ये तरीके नहीं होने चाहिए। पूरे डेमोलिशन ऑर्डर को ही क्वाश कर दिया है हाईकोर्ट ने, और ये भी अपने ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कंगना जो है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कर सकती हैं, नियमित कर सकती हैं उसे, और इसके लिए एप्लीकेशन बीएमसी को दे सकती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कुछ प्रोसीजर्स हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, और वो प्रोसीजर के आधार पे और बीएमसी को कैसे हमको हमारे जो एप्लीकेशन आएंगे उसको किस तरीके से उनको भी वो एंटरटेन करना, मतलब ऐसे नहीं कि उठा के बैक बर्नर में डाल दिया उन्होंने और कुछ हो नहीं रहा उसमें, तो एक पूरा प्रोसीजर हाईकोर्ट ने क्लियरली यू नो अलाइन करके दे दिया हम लोगों को, और अभी हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
जाते जाते एक चीज और कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कंगना को रिफ्रेन करना चाहिए, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रही हैं सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ, उन्हें रिफ्रेन करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है या कोई बयानबाजी करता है तो सरकार को नजरअंदाज करना चाहिए। यानी कंगना को भी एक हल्के तौर पर रिप्रमांड किया गया है और राज्य सरकार को भी फटकार लगाई गई है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत बैलेंस्ड जजमेंट था ये, बहुत ही बैलेंस जजमेंट था। हो सकता है कि जजेस को लगा कि यू नो ट्वीट्स थोड़े से टोन डाउन होने चाहिए, थोड़े से माइल्डर होने चाहिए, और उसी तरीके से जजेस को ये भी लगा कि अगर किसी का नहीं ही भी है माइल्ड और टोन डाउन नहीं भी है, तभी भी सरकार जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन से ज़्यादा, वो उनको नहीं करना चाहिए जो हरकतें वो करती हैं। तो उस बारे में बताया जजेस ने। चलिए, खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।